एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सबके साथ दम के रोट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे कंप्लेंट्स होते हैं जब भी हम रोट बनाए तो सख्त रह जाते हैं या फिर ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो आज आपकी कंप्लेंट्स दूर होने वाली है। आज मैं आपको सही मेजरमेंट बताऊँगी, आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आप हमेशा इसी मेथड से बनाना पसंद करेंगे, ये बहुत ही लजीज बनते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रोट बनाने के लिए हम यहाँ पर मैदा ले लेंगे 250 ग्राम्स। अगर आप वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से मेजर हो जाएगा। अगर आप इसे कप से मेजर कर रहे हैं तो आपको 250 ग्राम्स के लिए 1 कप और 1/3 कप लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पाउडर फॉर्म में जो भी यूज़ करते हैं, जैसे मैदा हो या आटा या पाउडर शुगर, उसका मेजरमेंट हमें इस तरह ही लेना पड़ेगा। और हम रवा ले लेंगे, ये उपमा रवा है, इसे भी हम 250 ग्राम्स ही ले लेंगे। ये 1 कप लेना पड़ेगा आपको। और हम पाउडर शुगर ले लेंगे, इसे हमें 1 कप और 1/3 कप लेना है। ये 250 ग्राम्स है, इसीलिए हम 250 ग्राम्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने रवा और मैदा 250 ग्राम्स लिया है, टोटल 500 ग्राम्स। तो हमें शक्कर की क्वांटिटी को हमेशा हाफ लेना है। शक्कर की क्वांटिटी आपको एग्जैक्ट लेना है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो रोट बिल्कुल सख्त बन जाएंगे। जब भी आप रोट्स बनाएं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का आप ख्याल रखिए। जितना आप रवा ले रहे हैं और मैदा ले रहे हैं उसको टोटल कर लीजिए। जैसा हमने कर लिया है 250 ग्राम्स 500 ग्राम्स हो चुका था, तो उसकी हाफ क्वांटिटी आपको शक्कर लेनी है। अगर आप 1 kg के रोट्स बनाना चाहते हैं तो आप रवा और मैदा हाफ हाफ kg ले लीजिए, टोटल 1 kg हो जाएगा। तो आपको शक्कर 1/2 kg ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स में हम यहाँ पर बादाम ले लेंगे, पिस्ता ले लेंगे, काजू और किशमिश ले लेंगे। बादाम, पिस्ता और काजू को मैंने छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, दरदरा ग्राइंड कर लीजिए, ज़्यादा आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। और हम घी ले लेंगे, ये 150 ml है, और 1 teaspoon इलायची पाउडर। जब भी आप इलायची यूज़ करें तो फ्रेश यूज़ कीजिएगा। और 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 1/2 teaspoon सोडा ले लीजिए। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, इसे शेलो फ्राई करेंगे। बिल्कुल आपको 2-3 minutes ही इसे फ्राई करना है, आपको कलर चेंज नहीं होने देना है इसका, बस इतना ही फ्राई करना है। अभी हम निकाल लेंगे। अभी हम रवे को भी इसी तरह से भूनेंगे, आपको इसका भी कलर चेंज नहीं होने देना है, इसे भी आपको 2-3 minutes लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और मैं 125 ml जितना मिल्क ले रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा केसर येलो फूड कलर ऐड किया है। अब हम एक बोल ले लेंगे, उसमें मैदा, रवा ऐड कर देंगे, शक्कर ऐड कर देंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, घी ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इन सबको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूनना है हमें, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूनना है। आपको 10-15 minutes लगेंगे इसे गूनने में। मुझे 100 ml दूध लगा है इसे गूनने के लिए। रोट्स में घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ही घी ऐड करना है। मैंने इसे गून लिया है, अभी मैं इसे 30 minutes के लिए कवर कर सेट होने के लिए रख दूंगी। 30 minutes कंप्लीट हो चुके हैं, हमने रवा ऐड किया है इसीलिए डो थोड़ा सा स्टिफ हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल 1 teaspoon जितना मिल्क ऐड कर इसे गूनेंगे फिर से।
अभी हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, इसे हैंड की हेल्प से इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए आपको ये प्रोसेस इस तरह ही करना है। अब हम इसे राउंड कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको। अभी हम इसे प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है आपको। देखिए इस तरह से ही प्रेस करना है। कॉर्नर्स को भी सेट कर लेंगे। इसकी थिकनेस देखिए इतनी रहनी चाहिए, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है आपको। बेक होने के बाद ये थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा। अभी हम हाफ बादाम इस तरह से लगा देंगे। मैं आज आपको टू मेथड से बेक करना बताऊंगी। पहले तो हम ओवन में बेक कर लेंगे। मैंने बेकिंग ट्रे को इस तरह से ग्रीस कर लिया है बटर से, और मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर इस तरह से कट कर कर लगा दिया है, उसे भी मैंने ग्रीस किया है। देखिए मैंने डिस्टेंस रख कर रोट्स को रख दिया है। आपको इस तरह ही रोट्स रखना है क्योंकि ये बेक होने के बाद इसका साइज़ बढ़ जाता है। अब हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करेंगे और इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 20 टू 25 मिनट्स बेक करेंगे। अब मैं इसे आपको पैन में बेक करना सिखाऊंगी। पहले तो आप एक तवा ले लीजिए, तवे के ऊपर तवे को गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर आप पैन रख दीजिए। पैन को हल्का गर्म कीजिए। गर्म होने के बाद हम इस तरह से घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। अभी हम इसे डिस्टेंस रखकर इस तरह से रोट्स रख देंगे। अभी हम लिड के होल को इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद कर कर इसे हम ढक देंगे। ढक कर हम इसे 15 मिनट्स बेक करेंगे। आपको 15 मिनट्स में ही इसे चेक करना है। आपको इसे लो फ्लेम पर ही दम देना है। देखिए मैंने 25 मिनट्स रोट्स को बेक कर लिया है ओवन में। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। जितना अच्छा इसका कलर आया है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। और आपको ज़्यादा बेक नहीं करना है इसे, आपको 20 मिनट्स में ही इसे चेक करना है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी क्योंकि ये गर्म में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं, तो इसीलिए हमें ठंडा कर कर ही इसे रखना है। अब हम पैन को चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसे इस तरह से देखेंगे। नाइफ़ क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब हम इसे धीरे धीरे से निकाल कर ठंडा कर लेंगे। गरम में बिल्कुल ये सॉफ्ट होते हैं, अगर आप कच्चे समझकर इसे फिर से बेक करेंगे तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से ठंडा कीजिए। देखिए सभी रोट्स हमारे बन चुके हैं, टोटल 11 रोट्स बने हैं। अभी मैं इसे आपको तोड़कर बताती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर 10 टू 15 डेज इसे इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बस आपको मेजरमेंट का ख्याल रखना है। अगर आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आपके रोट्स बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेंगे। तो अगर आज की मेरी रोट्स की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।